सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। बिसात बिछ गई है और तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। आज नामांकन का अंतिम दिन है। देर रात को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अंतिम सूची भी जारी कर दी। हम आपको बता दें कि सिरसा की हम बात करें तो सिरसा की 500 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। और कांग्रेस ने सिरसा से गोकुल सेतिया है, उनको टिकट दिया है। इसी तरह से चाहे हम बात करें एलनाबाद की तो भरत सिंह बेनीवाल है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और रानिया से सर्व मित्र कंबोज जो कि पत्रकार हैं, उनको मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि दो सीटें पहले ही कांग्रेस है वो डिक्लेयर कर चुकी है, जिसमें कालां वाली से शिशपाल केहरवाला और डबवाली से अमित सिहाग। ये पांचों सीटें कांग्रेस ने सिरसा में दे दी है। इसके साथ साथ हम फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया और रतिया से जरनैल सिंह को मौका मिला है और टोहाना से परमवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। आदमपुर से आईएएस अधिकारी रहे चंद्र प्रकाश जांगड़ा, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। ये सिरसा और फतेहाबाद की जो सीटें हैं उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। और हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2009 में जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, तीन उन लोगों को मौका दिया है। यानी कि 2009 में तीन ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा में उतारे थे, जिससे चाहे हम बात कर लें रानिया की तो शिशपाल कंबोज को चुनावी मैदान में उतारा था। उस वक्त शिशपाल कंबोज की जमानत जब्त हो गई थी, उनको अब फिर से मौका दिया है 2024 में। और चाहे हम बात कर लें एलनाबाद की तो अमीर चंद मेहता जो कि 2009 के उम्मीदवार थे, उनकी भी जमानत जब्त हुई थी। और सिरसा की हम बात करें तो सिरसा से भी रात को जो सूची आई उसमें रोहतास जांगड़ा का नाम है। और 2009 में रोहतास जांगड़ा भी सिरसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। और तीनों उम्मीदवार है वो तीसरे नंबर पे रहे थे। और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा में खास करके जो उम्मीदवार हैं ये जो तीन लोग उतारे हैं, और सिरसा में चूँकि पहले चर्चा चल रही थी कि गोपाल कांडा की पार्टी से जो कि एनडीए का हिस्सा है और उससे गठबंधन है वो बीजेपी करेगी और ये सिरसा की सीट है वो हलोपा के खाते में जाएगी, उस लिहाज से सिरसा की सीट पर पेच फंसा हुआ था। लेकिन एकाएक भारतीय जनता पार्टी ने वो पेच निकाल दिया है, वहाँ से रोहतास जांगड़ा को चुनावी मैदान में उतारा। यानी कि गठबंधन टूट गया है हलोपा और बीजेपी का और गोपाल कांडा के सामने बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दे दिया है। इससे गोपाल कांडा को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, वो हम अगली वीडियो के एनालिसिस में बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये बता सकते हैं कि सिरसा में मुकाबला है वो अब गोपाल कांडा जो कि हलोपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के टिकट पर गोकुल सेतिया, वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से इनेलो ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। इनेलो आज क्योंकि कुछ घंटों का समय बचा है और आज नॉमिनेशन का भी अंतिम दिन है, क्या फैसला होगा, क्योंकि वीरभान मेहता ने भी आज अपनी मीटिंग बुलाई है। क्या कुछ ऐलान वीरभान मेहता करते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या किसी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल कांडा को बड़ा झटका दे दिया है, वहीं गोकुल सेतिया है वो कांग्रेस की टिकट पाने में कामयाब हो गए हैं। और ये दी सड़कनामा का सर्वे जो कि हमने पहले ही बता दिया था कि सिरसा से गोकुल सेतिया है वो उम्मीदवार होंगे, इसी तरह से इस बार भरत सिंह बेनीवाल को एलनाबाद से मौका मिलेगा, सर्वमित्र कंबोज है उनको रानिया से, और दो सिटिंग विधायक हैं उनको पहले ही मौका है वो कांग्रेस पार्टी ने दे दिया। यानी कि हमारे सर्वे पे मोहर लग चुकी है। और हमने आपको रतिया का भी दिखाया था कि किस तरह से लोग जरनैल सिंह के बारे में बोल रहे थे कि अगर जरनैल सिंह आते हैं तो फिर वो सीट है वो निकल सकती है। इसी तरह से बलवान सिंह दौलतपुरिया को लेकर के भी फतेहाबाद में लोग हैं वो ये कह रहे थे कि बलवान सिंह दौलतपुरिया है वो भारी पड़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लगातार चूंकि चुनावी बिसात बीत चुकी है, तमाम मोहरे हैं वो सज चुके हैं, कौन आगे रहेगा, कौन कितने पानी में रहेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन चुनाव जीतेगा, वो हम आपको अगले दिनों में लगातार बताते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।